Hello dear students, how are you? Hope you all are healthy and safe. First of all, I would like to introduce myself. I am Dr. Pooja Maheshwari and I have completed my PhD in Organic Chemistry. I welcome you all to the CHEM Concept, which is an institute where you can clear concepts of chemistry with an easy and interesting way. CHEM Concept, in association with Samanvay, the Information Management System and Right Solution Consultancy, Jaipur, is conducting 10 days free online workshop on general organic chemistry. So, after that, if you want to join us, our batches are starting from August 1st week. You can contact before that. Now, in 10 days mein, what we are going to learn, pehle hum uski baat karte hain. Hamara jo topic hai 10 days ke liye, that is general organic chemistry. It is a basic topic and first step to learn basics of organic chemistry. ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, BSc, MSc, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो IIT, NEET, NET, JRF, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो इन 10 डेज में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लर्न करने वाले हैं, क्या हमारा करिकुलम है. हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ये सारे टॉपिक जो हैं, ये इंटरलिंक्ड है. तो मेक श्योर आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज अगर आप क्लास मिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा. मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके लाने हैं. तो ये आप 10 डेज के लिए डेली 4 o'clock आपको क्लास में प्रेजेंट होना है. चलिए, सो आर यू गाइस रेडी टू टेक अ राइड विथ मी अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? करें स्टार्ट. फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए दैट यू गाइस आर रेडी. जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, टाइप करिए यस. फटाफट, किसी का भी यस नहीं दिखाई दे रहा अभी तक मुझे. लाइव क्लास है, इंट्रैक्शन क्लास है, स्टूडेंट्स आपको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? जल्दी से से यस. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी. आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठिए, जिसमें आपको नोट डाउन करना है. जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो सारी, ताकि आप जाके जब रिवाइज करेंगे तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, क्लियर है? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, दैट व्हाट इज क्या लिखा है, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री?
हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो ऑफ कर लेते हैं, बट जब हमसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो जो बीएससी होल्डर्स हैं वो भी वन लाइन डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं। तो कौन मुझे बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो हमारे ऑडियंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, आंसर मुझे नहीं मिल रहे हैं आपके, प्लीज राइट इट डाउन कि व्हाट इज केमिस्ट्री। चलिए मैं बताती हूं आपको। ये तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, राइट? साइंस की एक ब्रांच है, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, उसी तरीके से केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द मैटर। मैटर की स्टडी करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, मैटर उसकी प्रॉपर्टीज। एंड मैटर की रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस की जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच साइंस की कहलाती है केमिस्ट्री। लिख लीजिए डेफिनेशन आप लोग, केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स रिएक्शंस। क्लियर है यहां तक सभी को? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर। भाई हमने कहा केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज मैटर, मैटर क्या चीज है, ये लिखते जाइएगा आप लोग साथ में। कोई बता सकता है व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स पर्टिकुलर मास एंड वॉल्यूम, जिसका अपना कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसी हर चीज मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका अपना कुछ मास है, कुछ इसका वॉल्यूम है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज मैटर। ये बोर्ड है, इसका अपना कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, मैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है, इन सब का अपना कुछ मास, वॉल्यूम है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सभी चीजें कहलाती हैं मैटर। लिख लीजिए, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सभी, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सभी मैटर है, और जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल गैसेस जो है वो भी, उनका भी अपना कुछ मास और वॉल्यूम होता है, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं? मैटर, राइट? उन्हें भी हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे मैटर। तो मैटर, वी कैन से मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कह सकते हैं ये मैटर क्या होता है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज बेसिकली हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड फ्रॉम दैट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हो गया कि भाई ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्शन के बाद में जो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, उन केमिकल बॉन्ड से न्यू सब्सटेंसेस का जो फॉर्मेशन होता है,
दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. लिख लीजिए इसको आप, डेफिनेशन लिखिए. केमिस्ट्री इज बेसिकली हाउ डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटरैक्ट वाया केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हम अगर बात करें, क्या है ये? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम है. ये हाइड्रोजन एटम जब आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के साथ में यहां पे H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 गैस का फॉर्मेशन होगा. हमें पता है हाइड्रोजन एटम्स जो है इनका अपना कुछ मास है. हाइड्रोजन एटम का कुछ मास है, इनका कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, और ये जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन गैस बन रही है इसका भी अपना कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर. मैटर ने आपस में इंटरेक्ट किया, केमिकल बॉन्ड बनाया और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ. इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. कुछ नहीं है, इतना सारा घूमना नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं. चले आगे. क्लियर है? से यस. लाइव डिस्कशन में आप लोग यस लिखिए इफ यू आर क्लियर विथ माय थॉट्स. जल्दी से यस लिख के बताइए. लिख लिया है सभी ने? चलिए अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई केमिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट. केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई हमें कोई कहता है या हम घर वालों से कहते हैं कि हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, हाँ, या फिर जो 11th 12th में स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम सब्जेक्ट होता है, उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और बेचारी केमिस्ट्री है वो बीच में लटक जाती है, उनको केमिस्ट्री हार्ड लगती है. अगर हम बात करें बायो स्टूडेंट्स की, बायो स्टूडेंट्स के लिए पीसीबी सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है उनको, उनके लिए भी केमिस्ट्री हार्ड होती है. क्यों हार्ड होती है केमिस्ट्री? हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको देख के हम लोग डर जाते हैं. एक फियर होता है हमारे मन में कि कैसे हम लोग ये इतना पढ़ेंगे, ए प्लस बी से सी बन गया, भाई क्या है ए, क्या है बी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. कैसे देखते हैं? आप लोग मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप लोग टूथपेस्ट करते हैं, राइट? टूथपेस्ट करते हैं. कैसे वर्क करता है, क्या होता है टूथपेस्ट? टूथपेस्ट इज अ केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाउंड है. कैसे ये वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स? हम लोग जो मैक्सिमम चीजें कंज्यूम करते हैं उनमें एसिड होता है, एसिड पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एप्पल की, हम लोग एप्पल खाते हैं, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड. अगर मैं बात करूं टी, चाय की, जो हमारे इंडियंस में एक हैबिट होती है, सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हम लोग टी लेते हैं, उसके अंदर होता है टैनिक एसिड. जो हमारे टीथ है येलो हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं भैया चाय कॉफी पीना कम कर दो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो क्या होता है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड,
चाय में होता है टैनिक एसिड। तो ये जो एसिड है, मैक्सिमम चीजें जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं उनमें एसिड होता है। तो ये जो एसिड है ये हमारी टीथ की इनेमल को डिके करता है, टीथ की इनेमल को डिके करता है, एसिड है। हम लोग मॉर्निंग में उठते ही या नाइट में सोने से पहले टूथपेस्ट करते हैं जो कि एक बेस की तरह वर्क करता है। तो हमने जो खाया वो एसिड है, टूथपेस्ट हमारा है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होती है और एसिड बेस रिएक्शन होने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। समझ में आया? ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसकी वजह से हमारे जो इनेमल पे येलो लेयर जम जाती है वो क्लीन हो जाती है और हमारे दांत वापस से बिल्कुल अच्छे से वाइट शाइन करने लग जाते हैं। बोलते हैं ना पुराने जमाने में एक ऐड आता था, अरे बिल्लू तुम्हारे दांत तो बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं। जी हाँ, तो ये तो बात हुई मॉर्निंग में उठते ही हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। हम लोग नाइट में सोने से पहले कॉइल बर्न करते हैं, कॉइल बर्न करते हैं ताकि जो मॉस्किटोज हैं वो हमसे दूर रहे। ये जो कॉइल है, मैट है, ये क्या करते हैं, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। एक केमिकल के अंदर जो गैस है वो मॉस्किटोज को दूर रखती है, या तो बेहोश कर देती है या उनको मार देती है, जिस वजह से मॉस्किटो हमें बाइट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे मैम ये दो एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है, कैसे ये केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट हो गई? तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूं कि आप मॉर्निंग में उठते ही दिन की शुरुआत और दिन का अंत दोनों केमिस्ट्री से होता है आपके, और इस पूरे दिन में बीच में इतनी सारी चीजें होती है जिसमें आप लोग केमिस्ट्री यूज करते हैं। जैसे कि और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग नहाते टाइम या जो क्लोथ्स वॉश करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट यूज करते हैं, राइट? इसके अलावा जो कुकिंग होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? कुकिंग के अंदर जो गैस जो बर्न होती है कंबशन रिएक्शन है, कोल निकलता है उसके अंदर से। इसके अलावा जो हमारा फूड डाइजेशन होता है, फूड डाइजेशन के अंदर भी एक केमिकल प्रोसेस वर्क करता है। इसके अलावा जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो मेडिसिन ड्रग्स होती है, कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड। आजकल बहुत रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की सभी को, या फिर आजकल जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर के अंदर एल्कोहल होता है, ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल केमिकल कंपाउंड है जो हम लोग आजकल डेली मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम बाहर जाके आते हैं सब टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं वो भी केमिकल से बने हुए होते हैं। आपकी मदर या कभी आपने अनियन कट किए होंगे तो आपके टीयर्स आते हैं। ये जो टीयर्स हैं किस वजह से आते हैं? सल्फर निकलता है जब हम अनियन को कट करते हैं, वो सल्फर एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन करके एक गैस प्रोड्यूस करता है, कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारी आईज में टीयर्स आते हैं। तो यहाँ पे भी अनियन जब कट हो रहा है तो अनियन कट होने पे भी क्या हो रहा है, अनियन कट होने पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, या फिर ये भी कह सकते हैं केमिस्ट्री इज एवरीथिंग या एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। भाई जो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर जगह पे केमिस्ट्री यूज आ रही है, तो उसकी स्टडी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, राइट और नॉट? होगी। तो चलिए ये तो बात हुई कि क्यों केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस, केमिस्ट्री कितनी तरह की
या कितनी ब्रांचेस में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चैट सेक्शन में मुझे यस लिख के बताइए फटाफट से, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया। आप लोग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको करूंगी। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांचेस, कितने तरह की होती है केमिस्ट्री? कितने तरह की होती है? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आजकल हमने बहुत सारे नाम सुन रखे हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो गया, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री की कितनी मेन ब्रांचेस है तो आप लोग कहेंगे कितनी? केमिस्ट्री की कितनी मेन ब्रांचेस है? केमिस्ट्री की तीन मेन ब्रांचेस है। कितनी मेन ब्रांचेस है? थ्री। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, तीन ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। लिखते जाइएगा साथ में। देखिए लाइव क्लास चल रही है, मैं वेट नहीं कर सकती कि आप लोगों ने लिखा है नहीं। वीडियो पॉज करिए, लिखिए, देन आगे चलिए। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन 10 डेज में हमें इसी की स्टडी करनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज, इसलिए आपको ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल सा है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग, इनऑर्गेनिक यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। क्या हो गया? कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बन एटम। इनकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख लीजिए द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट डज नॉट कंटेन कार्बन और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैटर, मैटर की स्टडी करते हैं एंड फिजिकल अरेंजमेंट। मैटर की स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूल्स के फिजिकल अरेंजमेंट की स्टडी की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। वापस देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता है उनकी स्टडी करते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैटर और उनके फिजिकल अरेंजमेंट की। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लीजिए द स्टडी ऑफ
how matter behaves and the physical arrangements of molecules. यहां तक सभी को क्लियर है? केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है, केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और ब्रांचेस में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं. तो फाइनली जो हमारा टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालिए, लिख लीजिए सभी, लिख लिया सभी ने, हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं. ठीक है, अभी एक्चुअली अगर हमारे से डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. भाई कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस, तीन चीजों की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस. स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस. लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इसकी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर है यहां तक? चलें आगे. क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए अगर आपको क्लियर है ये चीज. फटाफट से यस टाइप करिए इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस. चले आगे. चलिए अब बात करते हैं, एक वर्ड हमारे पास में आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी बात करते हैं हम. भाई हमने जो क्वेश्चन रेस हमने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं, तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या होगी? समझदार है आप लोग, वेरी गुड. लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग बात करेंगे पहले इसकी हिस्ट्री की. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आई डोंट नो आप लोगों ने पहले पढ़ाया है, ये पढ़ के ध्यान दिया है उसमें नहीं दिया है. हिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती है पहले के टाइम में. अभी मैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. पहले के टाइम में क्या कहा जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते थे, ये कहा जाता था जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या मतलब हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स से डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली जो कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहे जाते थे। अभी ये डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, द कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आर नहीं होगा यहाँ पे, वर कॉल्ड, कहे जाते थे। अब ये जो कहे जाते थे इसको किसने प्रूव किया या किसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई वो हम देखते हैं। एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस जिसने ये जो डेफिनेशन है उसको कंफर्म करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस, हेडिंग डालिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या है बर्जीलियस ने क्या बताया? उसने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं विटल फोर्स। ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, हम कहते हैं ना एक सुपर पावर है हमसे ऊपर, हमने देखा नहीं है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है भगवान। तो वो जो सुपर पावर है, बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है, किसकी वजह से होता है? ये एक मिस्टीरियस पावर की वजह से होता है। ऐसे ही बर्जीलियस ने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिस वजह से, जो एग्जिस्ट करता है उनके अंदर, जिस वजह से वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्या बताया उसने? जो विटल फोर्स है, विटल फोर्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। बर्जीलियस ने जब हाइपोथेसिस दी थी तब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। और जो एग्जांपल्स दिए उसने, क्या एग्जांपल्स दिए? पहले डेफिनेशन लिखिए। बर्जीलियस ने क्या बताया, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, विटल फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी प्रोड्यूस्ड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। एग्जाम्पल क्या है? ऑयल, शुगर एंड प्रोटीन। हमें पता है हमें प्लांट से ऑयल मिलता है, एनिमल से भी ऑयल मिलता है, शुगर प्लांट से मिलती है, प्रोटीन जब हमारे हेयर फॉल होते हैं तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं फिश खाइए, मिल्क मिलता है काउ से, प्रोटीन हमें मिलता है एनिमल से। तो उस टाइम पे यही कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया सभी को यहां तक? ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं, भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें कहा, हमने मान लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं ये तो हम करके देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, सच में ऐसा ही होता है क्या? है ना, एक कीड़ा होता है हमारे अंदर कि हम वो काम करके देखें कि एक्चुअल में ऐसा ही है। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है केमिस्ट्री लैब में
जिस चीज के लिए मना किया जाता है कि ये केमिकल हार्मफुल है, ये सोडियम प्लीज वाटर में मिक्स मत करना नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, और स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, भागते हैं और सिंक के अंदर जाके उस सोडियम पेस्ट को डाल देते हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट था वोलर, वोलर एक साइंटिस्ट था जिसने वोलर सिंथेसिस दिया, हेडिंग डालिए वोलर सिंथेसिस। 1828 में फ्रेडरिश वोलर एक साइंटिस्ट था जिसने वोलर्स सिंथेसिस दिया। क्या किया इसने, इसने अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके क्या कंपाउंड बनाया, क्या है ये, क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, क्या नेम है इस कंपाउंड का, यूरिया। अमोनियम साइनेट से लिखते चलिएगा साथ के साथ, अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन किया वोलर ने लैब के अंदर सबसे पहली बार। और यूरिया जो है इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लीजिए इसको, ये तहलका था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इससे पहले 1828 से पहले तक यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट या एनिमल से ही मिल सकते हैं, उनको हम प्रोड्यूस नहीं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन वोलर ने 1828 में यूरिया का फॉर्मेशन करके ये कंफर्म कर दिया कि ये लैब में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड वोलर सिंथेसिस, लिख लीजिए फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चले आगे। ये जो वोलर ने एक सिंथेसिस दिया, भाई एक चिंगारी लगने की देर होती है। जैसे ही हमें पता पड़ा कि हाँ पास वाले घर में एक साइकिल आई है, तो हम आ जाते हैं पेरेंट्स को बोलने के लिए कि हमें भी साइकिल चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। तो वैसे ही जैसे वोलर ने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, तो उसके बाद में साइंटिस्ट में होड़ मच गई कि नाउ हम भी कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, कोलबे। क्या था, कोलबे एक साइंटिस्ट था जिसने कोलबे प्रोसेस दिया, कोलबे एक साइंटिस्ट था जिसने कोलबे प्रोसेस दिया 1845 में, 1845 में कोलबे प्रोसेस दिया। और उसने क्या बताया, कार्बन डाइसल्फाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, क्या है ये, कार्बन डाइसल्फाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। ये क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइसल्फाइड हम सभी को पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एसिटिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया कोलबे ने, जिसके बेसिस पे कहा जाता है कोलबे प्रोसेस। क्लियर है यहां तक, चले आगे, चले लिख लीजिए कोलबे प्रोसेस की, और एक होमवर्क लिख लीजिए। कल क्लास में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग एक होमवर्क करके लाएंगे, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करके लाएंगे। लिख रहे ना आप लोग साथ में मेरे, सभी
तो ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे कल क्लास में आने से पहले। चले क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये जो कोल्बी प्रोसेस दिया, इसके अकॉर्डिंग जो हमने पुरानी डेफिनेशन पढ़ी थी बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाली, है ना, बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ी थी, वो क्या हो गई? गलत हो गई, हाँ या ना? तो अब मुझे कौन फाइनल डेफिनेशन बता सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? कुंतल बोल रहे हैं अमोनिया। मेरे को अमोनिया नहीं था, वो यूरिया का फॉर्मूला था जो किसने बनाया था? वुलर ने। ठीक है कुंतल, ध्यान रखिए यूरिया है वो, है ना, लिख लीजिएगा इसको कॉपी के अंदर। वेरी गुड, यूरिया है वो। ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है, कंप्लीट करके लाएंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। वेरी गुड, चलिए इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए। फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट डाल लीजिए इसको, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी देर से आप क्या पढ़ा रहे थे? तो भैया जब तक हम लोग बैकग्राउंड हमारा जो हमारी नींव है उसको हम लोग कंप्लीट अच्छे से नहीं समझेंगे, हमें आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, है ना, क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए इसको, डेफिनेशन लिखिए, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन और डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले एक चीज मुझे आप बताइए, ये हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? चैट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जल्दी से लिखिए, आंसर लिखिए, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी अब आप जब तक मुझे हाइड्रोकार्बन्स का मतलब नहीं बताएंगे। बताइए जल्दी से, मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वेरी गुड कुंतल, वेरी गुड। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। भाई लाइव क्लास है, मुझे आपके आंसर्स दिखाई दे रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमसे, 11th क्लास में ही हमें ये पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ी देर बाद हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी आप डेफिनेशन वापस से रिपीट कर रही हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, CCl4 का फॉर्मेशन, CCl4 का फॉर्मेशन कैसे होता है? CH4 जब रिएक्शन करता है, क्लोरीनेशन होता है यहाँ पे, बहुत इजी रिएक्शन है। CH4 जो हमारा मीथेन है उसका क्लोरीनेशन होता है,
एक एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस होते जाते हैं और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये सभी को पता है ये रिएक्शन। यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन, क्या है ये एक मीथेन, किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया हाइड्रोकार्बन हुआ या नहीं हुआ, वेरी गुड। कहा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनके जो क्लोरीनेशन से कंपाउंड बन रहा है ये क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया, हम CCl4 को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये मत करना कि मैम इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये CH4 जो हाइड्रोकार्बन है उसका डेरिवेटिव है, उससे बना है, इसलिए कहा जाता है इसको हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हाइड्रोकार्बन इसके डेरिवेटिव है इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अच्छा वेरी गुड, बहुत सारे लोग मुझे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। देखिए क्लास लेने में तभी मजा आता है जब इंटरेक्शन होता है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि लाइव क्लास है ऑब्वियसली मुझे आप लोग के फेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट जो आप लोग कॉमेंट कर रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग चीजें समझ रहे हैं। ठीक है चलिए, अब विकास पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, बताइए मुझे, आंसर कीजिए आप लोग सभी कि CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, फटाफट से आंसर कीजिए मुझे, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, आंसर कीजिए। थैंक यू तनुज, कह रहे हैं कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, थैंक यू तनुज, अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, रेगुलर रहना है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि मैं जितना अच्छे से पढ़ा रही हूँ उतनी स्ट्रिक्ट भी हूँ, तो वो होमवर्क आपका कंप्लीट मुझे दिखना चाहिए। तनुज कल आती है, सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है चलिए बताइए मुझे CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, शुभम अभी हाइड्रोकार्बन पे अटके हुए हैं, शुभम क्वेश्चन चेंज हो गया, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, जल्दी से आंसर करिए, टाइम निकल रहा है हमारे क्लास का, नहीं पता, चलिए मैं ही बता देती हूँ, नो मुकुल कह रहे हैं, नो सुमिया नो, वेरी गुड, नहीं है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, दूसरी चीज भाई कौन से हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है CO2, नहीं होता ना, नहीं होता, तो इसको लिख लीजिए CO2 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये आप मुझे कल घर से लिख के लाएंगे कि CO ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, क्योंकि अभी आप आंसर बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, कल जब क्लास में आप लोग आएंगे तो जो कल क्लास का टॉपिक है आपको टॉपिक्स पता है, बता दिए गए हैं, लास्ट में भी मैं एक बार बता दूंगी, प्लीज क्लास में आने से पहले उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के आइए, जिससे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनके आप आंसर्स कर सकते हैं, तो ये जो टू वे इंटरेक्शन होगा तभी पढ़ने में हमें मजा आएगा। चले आगे, तो यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया हमको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब एक चीज मैं आपको पढ़ाती हूं आज, दैट इज बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेडिंग डालिए बॉन्डिंग
इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नहीं लिखना है, इन स्पेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए समझदार है आप सभी। देखिए बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग पढ़ने का तरीका होता है, तो हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरह के होते हैं बॉन्ड, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आप ही से सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो भाई बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? जल्दी से आंसर करिए। मुकुल कह रहे हैं मैम योर टीचिंग स्टाइल इज एक्सीलेंट। थैंक यू मुकुल, आंसर करिए क्वेश्चन का, मुझे मस्का नहीं लगाना है। थैंक यू बट फॉर कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से आंसर करिए कि बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड बहुत सारे तरह के होते हैं। मैं चेक कर रही हूँ कि भाई तुम कोई आंसर कर रहे हो या फिर मैं ही उसका आंसर करूं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। वैसे तो बॉन्ड्स काफी सारे तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक, कोवेलेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड लिखते भी जाइए, और आपको पता है कि मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है तो फटाफट उसका आंसर भी देते जाइए। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स जिनमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा। एक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा, जिस वजह से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मतलब आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये जो बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में, ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आंसर कीजिए मुझे। हमको कहीं घूमने जाना है, आपके पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है, हमने कॉन्ट्री करी और हमने कैब बुक करी और निकल गए राइड पे, है ना, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग। भाई राइड हमने कैब है वो शेयर कर ली। वैसे ही जब दो एटम है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन आंसर कर सकता है इसका मुझे? तनुष कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, सही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लिख लो इसको, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मेरा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, बताइए। कोवेलेंट, मुकुल, कुंतल, वेरी गुड। क्या सभी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? नहीं, 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो भैया 0.01% कहां रह गया, या उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं? तो
तो 0.01% के अंदर होते हैं आयनिक बॉन्ड। और कौन से कंपाउंड है ये 0.01% वाला, कौन सा कंपाउंड है? आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सुना है या नहीं सुना है? सुना है, सबने सुना है। नहीं तो भाई केमिस्ट्री लेके आप लोग आए हैं तो नहीं का तो सवाल ही नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमें पता है RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें पाए जाते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? वापस रिपीट कर रही हूं, बॉन्डिंग जो है, रिपीट कर रही हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। बॉन्डिंग है दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सारी तरह की होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। मैक्सिमम जो कंपाउंड है 99.99% कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने। तो ये जितने भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में मीथेन के अंदर, ये सारे कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, और एक जो 0.01% है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर होता है आयनिक बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे तो आप बिंदास कहिए कोवेलेंट बॉन्ड, पर ये भी ध्यान रखिए कि 1.01% में क्या होता है आयनिक बॉन्ड। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिविजन उसका मैं आपको बता देती हूँ। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी, और आप लोग जो क्वेरीज हैं फटाफट से मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, फटाफट से लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं जिससे कि हम लोग डिस्कस कर सके। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज अबाउट मैटर। केमिस्ट्री क्यों इंटरेस्टिंग है या क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तीन ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, किन किन की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले के टाइम में क्या कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल और केवल मिस्टीरियस फोर्सेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होते थे, बट वोलर और कोल्बे ने ये कंफर्म किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड की फाइनल डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस कंटेन हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और जो बॉन्डिंग होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक और कोवेलेंट दो तरह की बॉन्डिंग है, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और कोवेलेंट बॉन्ड है किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर है? 99.99% कंपाउंड में। सिग्मा और पाई, शुभम गुप्ता, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई। शुभम समझ नहीं आया, सिग्मा और पाई तो अलग चीज होती है बेटा, बॉन्ड थोड़ी ना होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो हम, या सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ना, वो बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन भी हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड और क्या होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कल जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी के आगे कंटिन्यू होगा, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो हम देखेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं पूछ रहे तो बाद में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली आंसर हम लोग करेंगे जितनी भी आपकी क्वेरीज है। अगर नहीं आज आप पूछ पा रहे हैं, आप इस टॉपिक को वापस पढ़िएगा, कल आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तब भी आप आके पूछ सकते हैं। देखिए, मेन हमारा मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिया उसको रख दिया, नो, हमें समझ आना चाहिए। हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें सिलेबस को समझना है, तभी तो हम आगे ऑर्गेनिक के बाद के टॉपिक्स पढ़ पाएंगे। ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपको 10 डेज में हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, आई थिंक कोई क्वेरी भी मेरे पास नहीं आ रही है, तो हम इस सेशन को, आज के इस सेशन को, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही एंड करते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे सेम 4:00 4 PM शार्प, आप लोग आ जाइएगा, प्रेजेंट रहेगा क्लास में, लेट नहीं होना है। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।